नमस्कार स्वाति जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ मैडम, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ सर। यूपी स्वाति जी कौन से शहर से बात कर रहे हैं आप? बिजनौर धामपुर से बात कर रही हूँ। अच्छा जी, तो स्वाति जी आप तो अच्छा खासा वेट लॉस कर चुके हैं। यस सर, आपका ही बस आशीर्वाद है। 20 kg लूज किया है मैंने वेट। हाँ, ये मैं देख रहा हूँ आपकी तस्वीर, और जी ये आप ही हैं? जी ये पिछले साल की है मेरी। अच्छा, इस समय कितना वजन था आपका? मेरा 94 समथिंग था। ओके, और ये आपकी अभी की पिक्चर है? जी सर, ये अभी की पिक है मेरी। अच्छा, अभी अब कितना 75 हो गया है मेरा। कितना? 75। यस सर, पहले था 94, यानी यस सर, कि आपका जो है 20 किलो के ट्वेंटी करीब। वन हाँ 20 किलो कम हुआ मेरा बस। अच्छा जी जी, सर, तो मैडम ये तो बड़ा ही जबरदस्त चेंज है जो हम देख रहे जी हैं। बिल्कुल सर, आपका आशीर्वाद है। आपके 32 बार फॉर्मूले से ही हुआ है, अच्छा, उसी से ही हुआ है। बिल्कुल कितने दिनों में हुआ ये? सर, मैंने ये 22 दिसंबर से सितंबर से स्टार्ट किया था और मेरा हो काफी, मतलब काफी जल्दी रिड्यूस हुआ, मतलब हुआ था कम मेरा, लेकिन अब धीरे धीरे चल रहा है प्रोसेस। अब ना इंचेस लूज हो रहे हैं मेरे, तो वेट तो हो गया था पहले कम, 2-3 महीने में ही हो गया था मेरा। अब अच्छा, इंचेस लूज हो रहे हैं, लगभग 6 मंथ हो गए हैं, लेकिन वेट मेरा 3 मंथ में ही हो गया था। ये अब 3 महीने में कम हुआ ये 20 किलो आपका? वाह 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 वाह। तो जी सर, कैसे हुआ ये सब कुछ मैडम, बताने कुछ? तो मेरा वेट तो, मैं मतलब कि बचपन से ही, मुझे लगता है मैं जब से अपना होश संभाला हेल्दी ही थी, बट मेरा छोटी बेटी होने के बाद काफी वेट बढ़ गया था, तो कभी पता ही नहीं चला कि मेरा वेट मतलब ज्यादा है। कभी लगता भी नहीं था कि मुझे वेट कम करना है कुछ है। कभी सोचा ही नहीं, किसी ने ऐसे घर में नहीं बोला, बाहर लोग कमेंट करते थे, बोलते थे, बुरा भी लगता था। मैंने आपका मतलब 2 साल पहले भी देखी थी आपकी वीडियो, मैंने कम किया था। 2-3 हफ्ते में भी मुझे रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे आपकी वीडियो से, 32 बार से, लेकिन वो ये ना कंटिन्यू नहीं हो पाया। लेकिन अब मैंने ठान लिया कि अब इस बार मुझे कंटिन्यू करना ही है, क्योंकि मैंने हर्बल लाइफ यूज किया, 6 मंथ हर्बल लाइफ यूज किया, मेरा 1 kg भी वेट लूज नहीं हुआ उससे। क्योंकि अच्छा, उससे क्या होता है, शेक देते हैं वो पीने के लिए, जिससे कि हमारा, हम जो खाना नहीं खा रहे, डाइटिंग कर रहे हैं, तो वो उसकी कमी पूरी करता है। लेकिन एक शेक से क्रेविंग तो पूरी नहीं हो सकती खाने की, तो जब वो शेक पीने के बाद भूख लगती थी तो मैं खाना भी खाती थी। अब वो शेक तभी काम करेगा जब आप डाइटिंग कर रहे हैं, ये था चक्कर। और मैं डाइटिंग नहीं कर पा रही थी उसके साथ, तो फिर मेरा वेट कम नहीं हुआ इसलिए। तो कितने कितने पैसे लग गए थे वहां 6 महीने सर बहुत सारे पैसे लग गए थे, तो काफी लग गए थे मेरे, क्योंकि तो 1700 रुपए का तो उसका शेक ही आता है और 600 रुपए की उसकी एयर फ्रेश आती है, तो ये 1 मंथ का खर्चा इतना हो जाता है। तो काफी खर्चा हो गया मेरा उसमें, बहुत पैसा गया, लगभग? बट कुछ नहीं हुआ। 2500 रुपये हर महीने दे रहे थे आप? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, तो ये तो मैडम लगभग आपने वहां पे 15,000 रुपए के करीब खर्च कर लिया। जी, बिल्कुल खर्च कर दी होंगी मैंने, तो कोई रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, और यहाँ पे जो 32 बार से आपका ये 20 किलो वजन कम हुआ, यहाँ कितने पैसे लगे आपके? बिल्कुल कोई सर नहीं लगे, पैसे फ्री में हुआ है बिल्कुल। लोग बिल्कुल विश्वास ही नहीं करते, कहते हैं तुम डाइटिंग करती हो। नहीं, मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता, डाइटिंग करती हूँ। मैंने नहीं, डाइटिंग नहीं कर रहे हैं, 32 बार ही खा रहे हैं। बट ये मैंने साथ में इंटरमिटिंग फास्टिंग करी है, रात में 7 बजे अपना डिनर कर लेती थी फिनिश, और सुबह मॉर्निंग में वही सीधा लंच करती थी, तो जी उससे भी बेनिफिट काफी मिलते हैं। इंटरमिटिंग फास्टिंग आपने बोला ही है कि साथ में करो, तो मैंने वो भी किया है। और वॉक में कई सालों से कर रही हूँ, कोई बेनिफिट नहीं है। एक्सरसाइज भी कर रही थी, उससे भी कोई बेनिफिट नहीं था, लेकिन 32 बार का रिजल्ट दिखता है। तो मैंने रात में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दी है 1 मंथ से, पहले नहीं करती थी, लेकिन वॉक करती हूँ मैं 1 घंटे की डेली। पहले मैं आधे घंटे की करती थी, फिर मैंने टाइम बढ़ा दिया, क्योंकि एनर्जी लेवल इतना बढ़ गया है मेरा, तो फिर मैंने सोचा चलो आधे घंटे की और बढ़ा देते हैं। तो मैं 2 राउंड करती हूँ अच्छा, अब, मुझे एनर्जी भी मेरी काफी बढ़ गई है। मेरे बच्चे भी कहते हैं मम्मी आपको क्या हो गया है, सारे काम खुद करती रहती हूँ, पूरे दिन सोती भी नहीं हूँ, पूरे दिन काम ही करती रहती हूँ। आपको ये पता कैसे चला इसके बारे में, 32 बार के बारे में? मैं YouTube बहुत स्क्रॉल करती हूँ,
सब चीज देखती रहती हूँ कि वेट कैसे कम करना है। इसके लिए मैं बहुत वीडियोस देखती रहती हूँ, कई लोगों की वीडियोस देखती रहती हूँ, तो आपकी भी वीडियोस देखती थी। देखी तो मुझे कई साल से थी, बट चालू मैंने अब किया, स्टार्ट मैंने अब किया। वो ये ना, किसी काम को करना मुश्किल नहीं होता, उसकी शुरुआत करना मुश्किल होता है। मैं वीडियो में, लोग मुझे फेसबुक पे ही पूछते हैं कि मैम हमसे 32 बार नहीं हो रहा है। मैंने, नहीं होगा जब तक आप शुरू नहीं करेंगे। हर चीज की शुरुआत ही करना मुश्किल होता है। अगर आपने शुरुआत कर ली है तो फिर डेफिनेटली आप कर लेंगे कुछ भी। तो आपको जैसे विश्वास पहली बार हो गया था जब वीडियो देखी थी, या विश्वास होने में टाइम हाँ जी, लगा? हो गया था। मैंने पहले करा, मैंने बोला ना आपको, पहले मैंने 1 वीक के लिए करा था। 1 वीक में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था, लेकिन अच्छा। वही मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी आगे। तो बीच में ये ये जब था गैप आया, तो इस गैप के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि भूल भाल गए या दोबारा वीडियो देखनी पड़ी? नहीं, वीडियो तो मैं बीच बीच में भी देखती रहती हूँ आपकी, ऐसा नहीं है। मैं वीडियो सारी देख रही हूँ आपकी, बट वही अच्छा। नहीं, वही मैंने बोला कि शुरुआत करना ही मुश्किल होता है, शुरुआत ही नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने ठान लिया, लोगों की कमेंट होने लगे कि तुम तो कभी पतली नहीं हो सकती हो, ये नहीं हो सकती हो। तो मैंने कहा स्वाति सब कुछ कर सकती है, मैं पतली होकर दिखाऊंगी अब। और मैंने फिर दोबारा चालू किया और करके दिखा दिया मैंने। अच्छा। और कोई हेल्थ इश्यू भी ठीक हुआ आपका इससे? हाँ, मेरे को बीपी लो का बहुत प्रॉब्लम होता था। मेरे को डॉक्टर मेरे हस्बैंड को बोलते थे, तुम क्या किचन में खाने में ताला लगा के जाते हो, जो इनका बीपी लो रहता है, इतनी कमजोर रहती है, खाती नहीं है ये वेट लूज के चक्कर में। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं खाती हूँ। 2 रोटी मैं पहले भी खाती थी ज्यादा, मेरी डाइट पहले भी नहीं थी, लेकिन अब एक हो गई रोटी। अब ज्यादा नहीं खाया जाता 32 बार से, कभी कभी एक रोटी में भी बच जाता है, नहीं अच्छा, खाया जाता उससे। वाह तो वाह। मेरा बीपी लो बिल्कुल नहीं होता है एक रोटी खाने के बाद भी। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मैं दाल वगैरह या सैलेड वगैरह ही खाती हूँ, रोटी भूख ही नहीं लगती है, तो मैं रोटी को अवॉइड करती हूँ, या चने चाट खा लिया, कुछ खा लिया। तो रोटी तो मैं कभी 1-2 दिन में ही खा पा रही हूँ, लेकिन इन चीजों से ही पेट भर लेती हूँ। हाँ जी, तो ये जैसे आपने, आप बीपी बिल्कुल नॉर्मल है आपका? हाँ बिल्कुल, अब सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है मुझे। जब से स्टार्ट किया है 6 मंथ से मेरा बीपी लो नहीं हुआ है। अच्छा। और बीपी के अलावा भी कोई और चीज आपकी ठीक हुई है? और मुझे ऐसा कोई हेल्थ इश्यूज नहीं था सर, नॉर्मल। कभी आलस, लेजीनेस कुछ ऐसा महसूस होता हाँ था? वो था, मैं बोल रही हूँ, लेजीनेस तो बहुत आता था मुझे, अब नहीं आता इतना। अभी इवन मैं घर का, मतलब मेरे पास कोई हेल्प हाउस नहीं है हेल्प, तो मैं खुद ही घर के सारे काम करती हूँ। इवन मैंने मशीन भी छोड़ के कपड़े भी हाथ से धो रही हूँ मैं अब। अरे वाह वाह वाह। टाइम और कहते हैं कि ये जब 32 बार से वजन कम हो जाता है तो दोपहर को नींद भी ज्यादा नहीं आती, ऐसा भी हो रहा नहीं आती है। है? और हमने आपकी पिक्चर्स देखी, आपको कपड़े डालने का बहुत शौक है, तो अब आपने कपड़े लिए नहीं, होंगे, जो कम साइज के कपड़े लिए होंगे, तो कैसा महसूस हुआ कपड़े अपनी पसंद के पहन के? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। जी। तो आप जैसे 32 बार करते हो, तो कितने बजे आप सुबह उठते हो और कितने बजे नाश्ता करते हो? सर मैं सुबह तो जल्दी उठ जाती हूँ, अब तो मेरी सुबह 5:30 या 6 बजे अपने आप ही नेचुरली आँख खुल जाती है। उठ के मैं गर्म पानी पीती हूँ, एक गिलास बड़ा वाला। फिर उसके बाद अगर नाश्ता करने का मन होता है तो मैं जो भी बना होता है घर में कर लेती हूँ, वरना मैं सीधे लंच ही करती हूँ। या मखाने खा लिए, या फ्रूट्स रखे तो फ्रूट्स खा लिए, या एप्पल स्मूदी बना ली, ये नहीं तो मैं नाश्ते सीधा लंच कर ली। जी नहीं? तो जैसे आपने बताया कि फ्रूट्स रखे होते हैं तो फ्रूट्स खा लिए, तो ये फ्रूट्स मखाने इन सब से आपका पेट भर जाता है सुबह नाश्ते में, भूख नहीं लगती? जी तो बिल्कुल भर जाता, मतलब भूख ही नहीं लगती है 12-12 बजे तक, ये भूख ही जो नहीं लगती फ्रूट्स है। और मखाने खाते हो, ये भी धीरे खाते हो? जी सर बिल्कुल, चबा चबा के खाती हूँ मैं धीरे धीरे। अच्छा। कितनी देर लगती है आपको फ्रूट्स को खाने में, मतलब जैसे बैठते हो खाना खाने में? फ्रूट्स में वही 15-20 मिनट तो लगते हैं मेरे को, एक बनाना या एप्पल खाने में, या पेन जो भी खा रही हूँ मैं। ठीक है। और फिर उसके बाद आपने बताया आप लंच करते हो, लंच कितने बजे करते हो? लंच अगर मैंने लेट हो गया है, कभी लंच 2:30 बज गया है, वैसे मैं 2 बजे तक कर लेती हूँ। अगर और बहुत ज्यादा लेट हो गया है तो फिर मैं डिनर नहीं करती, क्योंकि हैवी हो जाता है लंच, तो भूख ही नहीं लगती। फिर मैं रात में मिल्क मखाने वगैरह ही लेके सो जाती हूँ। ये अच्छा। है, वॉक पे जाती हूँ मैं, 7 बजे तक अपना डिनर फिनिश करती हूँ और फिर मैं वॉक पे चली जाती हूँ। अच्छा, जैसे लंच आपने बताया 2-2:30 बजे करते हो, लंच में ज्यादातर क्या चीजें खाते हो? दाल दाल रोटी दही सलाद रोटी दही सलाद। कितनी सब्जी, रोटी यस, खा पाते हो आप दोपहर को जब लंच करते हो? एक रोटी खाई जाती है सर, खाई नहीं जाती है। एक से ज्यादा खाई नहीं जाती है?
नहीं खाई जाती है, बिल्कुल ऐसे सांस फूलने लगता है, दम सा घुटने लगता है कि अब नहीं खाई जाएगी, छोड़ दो। अच्छा, जब पहले खाया करते थे तो पहले कितनी रोटी खा लिया करते थे खाने में? नॉर्मल तो मैं 2 रोटी खाती हूँ, और अगर ज्यादा भूख हुई तो 3 खा लेती थी, बस इससे ज्यादा तो मैंने कभी नहीं खाया। ओके, पर तो ये एक्स्ट्रा मतलब में कुछ फास्ट फूड वगैरह खा लिया तो वो 3 रोटी के साथ अलग अलग एक्स्ट्रा अगर खाना है कभी तो खा लिया। वैसे ऑपरेशन हुआ है जबकि उसके बाद से तो मैं बहुत कम कर दिया है, तो 3 साल हो गया मेरे, तो मैं ज्यादा नहीं खाती हूँ ये सब चीजें। अच्छा, जैसे हम लोग बताते हैं कि खाना खाते समय रोटी के पहले ही छोटे छोटे टुकड़े कर लो, तो हाँ, आप मैं छोटे छोटे टुकड़े करके रख लेती हूँ पहले, बहुत छोटे छोटे से टुकड़े करके रख लेती हूँ, फिर कितने उनको चबाती हूँ धीरे धीरे। टुकड़े? टुकड़े तो नहीं गिने बट बहुत छोटे, मेरे बहुत छोटे रोटी, और रोटी अभी हमारे यहाँ बहुत पतली, बहुत इतनी बड़ी साइज की रोटी बनती है, बहुत पतली रोटी बनती है हमारे यहाँ, मोटी रोटी नहीं बनती बिल्कुल भी। तो बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ मैं, इतने नाखून के बराबर, मतलब अंगूठे के नाखून के बराबर है। और कितनी देर लगती है आपको इनको खाने में, इन सारे रोटी के टुकड़ों को खाने में? 30 मिनट लगती है। मिनट। अच्छा, और आप साथ में सलाद भी लेते हो हमेशा या नहीं लेते? अच्छा, सर मैं पहले तो लेती थी लेकिन अब कुछ टाइम से नहीं ले रही हूँ, क्योंकि ठीक है, तो मेरा ना आदत। थोड़ा सा दांतों में प्रॉब्लम है, चबाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, सैलड फिर रोटी नहीं चबाई जाती है मेरे से, इसलिए मैं ठीक सैलड अब अवॉइड करती हूँ। है, तो अब आदत पड़ गई है आपको ये 32 बार की, हाँ कि ठीक है, आदत पड़ गई अब तो। मान लो कभी कहीं बाहर जाओ घूमने, किसी शादी में गए हैं या वैसे कहीं मार्केट में घूमने चले मेरी सर गए? मंथ में 3 किटी रहती हैं, अच्छा, 3 किटी रहती है, और वहां सारा हैवी रहता है। तो मैं क्या करती हूँ सुबह, जैसे नॉर्मल मैंने सुबह और शाम का स्किप कर देती हूँ क्योंकि वहां बहुत हैवी हो जाता है, तो मैं अपना वही बस सीधे किटी में ही खाती हूँ। तो वहां पे एक स्लाइस रोटी का मिलता है, वो भी मुझसे खाना, मेरे पसीने छूटने लगते हैं, वो रोटी चबा चबा के खाती हूँ, मुझसे खाई नहीं जाती है, छूट जाती है रोटी, पसीने आने लगते हैं, दम घुटने लगता है मेरा, मेरे से नहीं खाई जाती बिल्कुल भी। और मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड है संगीता, भाभी है मेरी, उन्होंने भी 11-12 KG लूज किया है मेरे साथ ही, वो रोज वॉक पे जाती हैं, जब उनको शुगर है और उनकी काला मोतियाबिंद भी है, उनका शुगर भी बहुत नॉर्मल हो गया है, वो साथ में मिलेट्स भी खा रही हैं, तो उन्होंने 12 KG लूज किया। वो डाइट तो ज्यादा नहीं करती हैं बट उनका भी 12 KG लूज हुआ है वेट। वो भी 32 बार करती हैं। जी, 32 बार करती हैं वो मेरे साथ वॉक करती हैं, 32 बार करती हैं, वेरी गुड, उनको भी वेरी। बहुत कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं कि कैसे पतले हो गए हो, कितने स्मार्ट हो गए हो। और स्नैक्स के रूप में आपने क्या लिया इस यात्रा में वजन घटाने की? सर मैंने चाय भी नहीं छोड़ी, 3 टाइम चाय पीती हूँ मैं, अच्छा चाय जी। नहीं छोड़ी मैंने। सब मुझसे पूछते हैं कि मीठा छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं छोड़ती, मैं सॉल्ट फ्री डे करती हूँ, मैं उसमें भी चाय पीती हूँ, मैं चाय नहीं छोड़ी मैंने। और स्नैक्स में भी अभी दीपावली आई थी, जब दीपावली से पहले स्टार्ट किया था, दीपावली आई थी तो मेरा 8 किलो, मतलब कि 22 दिसंबर से चालू किया था, तो दीपावली तक मेरा 8-9 किलो वेट कम हो गया था, और दीपावली पे मैंने लगातार कोई डाइट भी नहीं करी और 32 बार भी नहीं चबा पाई थी, मतलब थोड़ा सा तो सही खाया था, ज्यादा नहीं चबा पा रही थी, 32 बार नहीं कर पा रही थी, कम चबा पा रही थी, लेकिन उसके बाद भी मेरा वेट नहीं बढ़ा था, ये अच्छी बात थी। मतलब स्लो चबा रही थी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे गेस्ट के घर पर, तो लेकिन मैं बढ़ा नहीं मेरा वजन 32 बार से घटने के बाद, कि मतलब कि बढ़ जाए, जैसे कि 15 दिन हो गए मुझे डाइट बीच में कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, तो नहीं। चाय पीते हो? मीठी चाय पीते हो? अच्छा, जी सर, मीठी चाय पीती, पीकी नहीं पीती हूँ। तो मीठा मीठा खाया इस दौरान आपने अच्छे से या मीठा छोड़ हाँ, दिया? होली में भी खाई है मैंने सर, गुजिया खाई है मैंने, दो दो अच्छा, गुजिया खाई है एक में। और आपने ग्रीन टी पी है मैडम इस दौरान? हाँ जी, 32 बार वाली मंगाई मैंने ग्रीन टी, अब दूसरी ऑर्डर की है मैंने, दूसरी स्टार्ट हो गई है मेरी। अच्छा, कितनी बार पी लेते हैं दिन में ग्रीन टी? मैं हर मील के बाद लेती हूँ, वैसे भी मन करता है जब मेरा, तब मैं तब पी लेती हूँ ग्रीन टी। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि आपका बीपी लो रहता था, तो ऐसे में आपने सॉल्ट फ्री डे किया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं सर, अब कोई दिक्कत नहीं आती है, मैंने अभी तो एक्चुअली मेरा एक दिन मैंने सॉल्ट फ्री डे करा और मुझे अगले दिन याद नहीं रहा कि शिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि के बाद एकादशी आ रही है, मेरे 3 व्रत पड़ गए कंटिन्यूअस एक एक दिन छोड़ के, तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तीनों व्रत रखे मैंने सॉल्ट फ्री, और व्रत भी सारे सॉल्ट फ्री डे करे मैंने, तीनों अच्छा, व्रत एक एक दिन का गैप करके। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा मैडम, इससे आसान कोई तरीका लगता है आपको वजन कम करने का?
कोई सर कोई तरीका। तरीका नहीं है, आसान और बिल्कुल आपको नहीं है। ऐसा लगता है कि ये कोई इंसान ऐसा होगा जिस पे ये फॉर्मूला नहीं भी काम करेगा? ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी पे ना काम करे? नहीं सर, मेरे हिसाब से तो ये सब पर ही फॉर्मूला काम करेगा, बहुत अच्छा है, कुछ भी नहीं करना है लोग। लेकिन ये कहते हैं हमसे नहीं होगा, हमारा तो मुंह दुखने लगेगा, इतनी देर तक कौन बैठेगा। मैंने कहा जिससे अपने आप से प्यार होगा वो बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा। एक और बहुत जरूरी बात सबको बताना चाहता हूँ। देखो क्या है हाँ कि हमें ना भगवान पे जब विश्वास हो जाएगा तो लोगों को ना, वैसे कहने में तो सब कहते हैं कि हम भगवान पे विश्वास करते हैं, लेकिन असल में लोग हर वक्त विश्वास नहीं कर पाते, वो भूल जाते हैं। जैसे जी जी आप इस चीज को नोटिस करना मैडम, ये देखो हमारी जो आईब्रोज हैं ये यहाँ पर ही सर हैं, अगर ये बाल यहाँ भी उग जाते तो कितना अजीब लगता। ये बाल जी सर जी सर यहाँ पे आके रुक गए, यहाँ तक नहीं आए, ये नाक यहीं पे लगी हुई है, ये नाक पीछे नहीं लगी, ये आंखें यहीं पे लगाई भगवान ने, एक आंख यहाँ लगा देता एक यहाँ लगा देता तो कैसा लगता। करने वाला कोई है, जी सर कोई तो बिल्कुल है जो सब कुछ ठीक कर, है, ऐसे नहीं चल रही दुनिया, बिल्कुल है ऊपर वाला, मैं तो बहुत विश्वास करती हूँ। एक्चुअल समस्या क्या है दुनिया में लोगों के साथ, जो जितने भी डर हैं लोगों के मन में या कोई भी प्रॉब्लम है जीवन में, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम ना हर वक्त भगवान को याद नहीं कर पा रहे। अगर हमें हर वक्त भगवान कहो, प्रकृति कहो, परमात्मा कहो, अगर हमें हर समय उसकी याद रह जाएगी ना कि कोई है जो हमें हर वक्त देख रहा है, तो हम जी सर गलतियां नहीं करेंगे जीवन में। और इंसान ना आज के जमाने में इंसान पैसे की भाग दौड़ में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया है, वो हर वक्त पता नहीं कहाँ बिजी हो गया है, कभी फोन चला रहा है, कभी लैपटॉप चला रहा है, और वो कह रहा है बस पैसा जोड़ लूं, पैसा जोड़ लूं। वो पैसा भी इसीलिए जोड़ रहा है क्योंकि उसको भगवान की याद नहीं है, उसे ये नहीं पता कि जी तो बिल्कुल है। आप, मैं कोई इसको किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहता, कोई अपने आप को हिंदू कहे, मुसलमान कहे, सिख ईसाई जो भी कहे, लेकिन कोई शक्ति तो है बिल्कुल जिसने हम सबको बनाया है और जो सब कुछ भी बिल्कुल सही जगह पे रखे हुए है। तो मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको प्रकृति पे विश्वास हो जाए ना, दिन रात प्रकृति की चर्चा करो, सुंदरता भगवान ने जो बनाई है ना उसकी चर्चा करो, आप चाह के भी तेज नहीं खा पाओगे। और अपने आप, जब तक हम जीवित है ना तो हमें इस शरीर की जरूरत तो है, जब तक जिंदा है बिना इस शरीर के कुछ किया नहीं जा सकता। मोटापे का मतलब ही बीमारी होता है, जिसके जी शरीर में बिल्कुल मोटापा है वो बीमार है इंसान। ओबिसिटी इज अ डिजीज, तो क्यों बीमारी को अपने शरीर पे रखना जब इतना आसान है, कोई पैसे नहीं लगते। दुनिया भर के यूट्यूबर ना वीडियो बनाते हैं कि हम आपको ये देखो, ये हमारे क्लाइंट ने 20 किलो वजन कम बहुत किया, वीडियो है, मैंने बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, फिर वो लास्ट में ये बात भी बोलते हैं, सारी वीडियो देखी हुई है। लास्ट में वो लोग एक बात बोलते हैं कि अगर आपको भी अपना वजन कम करना है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे फोन करके और आप हमसे डाइट प्लान बनवा लो, वो लोग ये ऐसा बोलते हैं। तो मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं बोलता आप लोगों को, ना ही आपने मुझे कोई पैसा देना, ना मुझसे कोई डाइट प्लान बनवाना, ना ही कोई नहीं बोल रहा कि आप मुझसे वहां जाके कुछ ले लेना। मैं आपसे सिर्फ आप ही के हित के लिए ऐसा बोल रहा हूं कि जब आप खाना खाओ ना तो ध्यान पूर्वक खाओ, धीरे खाओ, छोटे टुकड़े लो, बड़े आराम आराम से। 5 बातें हैं हमारे फॉर्मूला में 32 बार के। पहली बात है जी आप टुकड़े छोटे लो, जितने छोटे टुकड़े हो जी सकते हैं, बिल्कुल, कितना इतने छोटे, ये जो अंगूठे का नाखून है ध्यान से देखो कितना छोटा है, बस बड़ा ही देती हूँ मैं सर इतना सा जी, लो। इतना ही बड़ा देती हूँ मैं। मैंने भी आज सुबह ना एक रोटी के, मैं गिनती करके आया था, मेरे 32 टुकड़े निकले एक रोटी में से, सिंपल स्टैंडर्ड साइज की रोटी में से 32 टुकड़े निकले। और उस टुकड़े को, पहला स्टेप तो है छोटे टुकड़े लेना, दूसरा स्टेप है कि उस टुकड़े को इतना ज्यादा चबाना है कि जब तक वो आपके मुंह में पानी नहीं बन पानी जाए। बन के हमारे फॉर्मूला का नाम 32 बार का फॉर्मूला इसीलिए पड़ गया कि हम कहते हैं कम से कम 32 बार तो चबाओ ही चबाओ। जिन लोगों का ज्यादा तेजी से वजन जी होता है बिल्कुल वो लोग तो इसे 60-65 बार तक भी चबा लेते हैं। जितना ज्यादा चबाओगे सही कह रहे उतना हैं आप सर, अगर आपने ढंग से चबाया है ना तो गिनती और ज्यादा बढ़ जाती है। जी। और तीसरी बात जो इसमें है वो है खाना खाने में समय लंबा लगाओ। लोग क्या करते हैं, जब वजन बढ़ा होता है ना, किसी का भी देखना जिसका वजन बढ़ा हुआ है ना, वो खाएगा बड़ी स्पीड से। आप कितनी देर में खाते बड़े थे? बड़े बाइट खाते हैं, बड़े बड़े बाइट खाते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, तो क्या होता है ना उनके माइंड को सिग्नल ही नहीं मिल पाता है कि वो भूखे हैं,
उनकी भूख बढ़ती चली जाती है। आप 32 बार खाओगे तो वही है ना, भूख माइंड को सिग्नल मिल जाएगा कि आपने बहुत खा लिया है, तो पेट में उतना ही जाएगा जितनी जरूरत है। मोहम्मद रफी साहब का एक गाना है और उस गाने के बोल हैं कि वो जिनको प्यार है चांदी से इश्क सोने से, वही कहेंगे कि हमने खुदकशी कर ली। तो एक बिल्कुल दिन ये लोग ये बातें कहते हैं ना कि हमारे पास समय नहीं है, एक दिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं अपने माथे पे हाथ रख के कहेंगे कि हमने अपनी जवानी में जब अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए था तब हमने अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया, और आज बुढ़ापे में हम परेशान है कि हमारे तो जोड़ों में दर्द होता है, हमारी कमर में दर्द होता है, और हमारे को तो फैटी लीवर हो गया, हमारे को डायबिटीज हो गया। इन सब चीजों से दूर रहना है ना, तो ये आज उम्र है कि अपने आप को खाना खाने का, दिन में 3 बार ही तो खाना खाना है, अगर 3 बार आधा आधा घंटा नहीं है आपके पास तो फिर क्या जीवन है आपका, जीवन ही व्यर्थ है, मैं तो ये कहूंगा। बिल्कुल सही जी, तो खाना बात है सर। लेना है तीसरी बात है। चौथी बात क्या है कि खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी पीनी है। ग्रीन टी इसीलिए पीनी है कि उम्र के साथ ठीक है, मेटाबॉलिज्म नीचे की तरफ आता है, उस मेटाबॉलिज्म को वापस से लो ऊपर। जाता है बिल्कुल। मेटाबॉलिज्म शब्द ना लोगों ने बहुत बार सुना है, उसके मायने क्या होते हैं? मान लो आप हैं स्वाति जी, आप हैं और मैं हूं, आपने भी 2 रोटी खाई और मैंने भी 2 रोटी खाई, तो आपकी जो 2 रोटी थी ना उसको आपने तो फटाफट एनर्जी उससे यूटिलाइज कर दी, उससे 2 रोटी से सपोज करो 600 कैलोरीज आपको मिली और 600 कैलोरीज मेरे को मिली, मैंने तो वो 600 कैलोरीज फटाफट खर्च कर दी, मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा था। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आपको उन 600 कैलोरीज को खर्च करने में मुझे तो 2 घंटे लगे और आपको लग जाएंगे 6 घंटे, अगर किसी का स्लो है तो उसी मेटाबॉलिज्म जी को ऊपर करने के बिल्कुल लिए ग्रीन टी का सहारा लेना पड़ता है। तो खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी पी। जी सर। और पांचवा स्टेप क्या है, उसको बोलते हैं सॉल्ट फ्री डे, यानी कि हफ्ते में एक दिन नमक वाला खाना, कुछ भी नमक वाला नहीं खाना। लोग पूछते हैं सर फिर क्या खाएं, आप कुछ भी खा लो, जो भी आपके घर में बना है उसमें बस नमक मत डालो 1 दिन, उससे क्या फायदा होगा? नमक के अंदर सोडियम होता है, अगर सोडियम हमारे शरीर में ना जाए ना तो ये शरीर पानी को होल्ड नहीं कर पाता। हम ये जो पानी पीते हैं ना बार बार, अब मैं ये पानी पीऊंगा इसका मतलब ये नहीं कि जितना पिया उतना का उतना ही बाहर निकल जाएगा, इसमें से काफी हद तक हमारा शरीर होल्ड करता है, और ये पानी के साथ साथ टॉक्सिन्स को भी होल्ड करती है, हमारी बॉडी जो है ना अंदर टॉक्सिन्स भी होल्ड हो जाती है। लेकिन हम नमक नहीं खाते हैं तो यूरिन के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से हमारे शरीर से गंदगी बाहर निकलती है और वजन बहुत तेजी से कम होता है। जी सर, 5 बातों में, ये जो 5 बातें मैंने आपको बताई, अगर कोई इंसान सिर्फ एक बात भी कर ले तो भी उसका वजन कम होगा, कोई 2 बातें जी करे तो बिल्कुल और अच्छा होगा, 3 करे तो और अच्छा होगा, 4 करे तो और अच्छा, 5 करे तो और भी अच्छा होगा। मैंने 6 करी है, 7 में इंटरमीटिंग फास्टिंग भी करी है, तो इंटरमिटेंट इसलिए फास्टिंग, रिजल्ट अच्छा दिखा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का ना मैं एक और चीज आपको बताता हूँ कि क्या होता है, मैं अपने साथ बताता हूँ मेरे साथ ज्यादातर क्या होता है। मैं जैसे सुबह घर से नाश्ता करके आया, फिर उसके बाद मुझे 3 बजे तक तो मुझे भूख ही नहीं लगती है, मेरे साथ जी सर, यूजुअली नहीं लगती, मुझे 3 बजे तक तो नहीं भूख, लगती है। अब 3 बजे तक भूख नहीं लगती तो 3 बजे मैं घर जाने की कोशिश करता हूँ कई बार, के घर जाके अपना लंच करूँ, तो घर जाता हूँ, घर जाके लंच करते करते 3:30 4 बज जाते हैं। अब 4 बजे तक मैंने लंच किया, फिर शाम को तो मेरे को वैसे ही भूख नहीं लगती, तो शाम को यूजुअली मैं क्या करता हूँ, कई बार मैं बोलता हूँ कि दूध दे दो, और दूध के अंदर कई बार हम ग्रैनुला डाल के ले लेते हैं या कई बार ओट्स डाल के ले लेते हैं। तो ऐसे आपको जी शाम, सर, जी सर, आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग अपने आप भी हो जाएगी जब आप ऐसे धीरे धीरे चबा के खाओगे ना, बिल्कुल सर, हो जाता है। मेरा रात भी को खाने टाइम का लेट जाता है, मन कभी कभी 4 बजे हो जाता है, फिर मैं भी नहीं खाता हूँ, ही, जी रात को खाने का मन ही नहीं करता ज्यादातर ना लोगों का, कि अगर नहीं वो करता। 32 बार चबा के खाएं तो मन ही नहीं करे। तो ये सारी बातें हमने आप तक बता दी जी, कोई सीक्रेट नहीं रखा, और मैं तो लोगों को गारंटी भी देता हूँ जी, देखो मुझे कुछ मिलना नहीं किसी से, फिर भी मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग ये इसको फॉलो करो, आपका जीवन ना जी ठीक बिल्कुल होते जाना आप, क्योंकि वजन घटने के बाद ना आपके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा लोगों से बात करने का, बहुत ज्यादा पैसा है तो। कपड़े पहनने का, हर चीज आपको अच्छी लगेगी। तो मैं यही निवेदन करूंगा सब लोगों से कि सब लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और उसके लिए 32 बार फॉलो करो, 32 बार हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं, आपके सामने प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है
इनकी फोटोज हमने आपको दिखाई। तो स्वाति जी की खुशी देखते ही बन रही है, ये खुश हैं, अपना वजन कम होने से इनका बीपी की प्रॉब्लम मेरा ठीक हो गई है। तो ये सब कुछ आपके साथ भी हो सकता है अगर आप पीरियड साइकिल भी थोड़ा सा सही हुआ है। पीरियड साइकल भी ना मेरा अप एंड डाउन, मतलब कि 3 डेज होता था बट बहुत स्लो होता था, लेकिन मेरा अब बहुत अच्छे से होता होता 3 दिन ही है बट सही होता है मेरा वेरी गुड, डाइट करने के बाद से, मतलब बहुत ही बढ़िया, चलिए ये 32 बार करने के बाद से काफी उस पर भी रिलीफ है। बहुत ही बढ़िया मैडम, आपको बहुत बहुत बधाई हो। बाकी मैं ये बता दूं जी, आप लोगों ने ये वीडियो देखी उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आप में से जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, आपके सवाल भी लिखिएगा, और स्वाति जी हमारे साथ जुड़ी है उनको धन्यवाद भी दीजिएगा, बधाई भी दीजिएगा वजन कम होने में। जी और आप में से जो लोग ग्रीन टी खरीदना चाहते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि सर कौन सी ग्रीन टी लें, मुझे और किसी ब्रांड का नहीं पता कि उनकी कैसी क्या होती है। पर आपकी 32 बार वाली ग्रीन टी बहुत टेस्टी है सर, मतलब कि कोई और भी पियो, मैंने लिप्टन वगैरह सबकी ट्राई करी हुई है, वो बहुत ज्यादा बिटर कलर इतना ज्यादा हो जाता है बहुत ज्यादा, बट आपकी में ना थैंक कोई ऐसा टेस्ट नहीं है, बहुत अच्छी लगती है, एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है बहुत ज्यादा, यू क्योंकि मैडम, एक तो लिप बहुत बड़ी बड़ी है उसकी, बहुत अच्छा है। जी थैंक यू जी, थैंक यू। तो 32 बार वाली ग्रीन टी अगर आप लेना चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट है 32बार.com, वहां से ले सकते हैं, मीशो से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, इस वीडियो के नीचे भी दिख रही होगी, बस गूगल पे जाके लिखना है 32 बार वाली ग्रीन टी, आपके सामने आ जाएगा, तो वो ले सकते हैं। इसमें टी बैग वाली भी ग्रीन टी जो है वो लॉन्च हो चुकी है, जो लोग कहते थे कि हम ऑफिस जाते हैं ऑफिस में कैसे बनाएं, तो वो लोग टी बैग वाली भी ले सकते हैं। और बाकी आपने इतना समय दिया स्वाति जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, भविष्य में फिर जी से सर, आपके बिल्कुल, थैंक साथ। थैंक यू, थैंक यू। यू सर, आपका, आपकी वजह से मेरा वेट इतना कम हो गया।